हेलन जी, आशा जी, आशीर्वाद दीजिए। बड़ा खुश हुए हम आज आप दोनों को देख के, पता नहीं सकते। ए व्हाट इज अप ब्रदर। एनीवे आशा जी, हमको बड़ी आशा थी कि आशा जी से एक दिन मुलाकात होगी, और लीजिए आशा जी आ गई और हमारी आशा पूरी हो गई। तो हेलन जी भी आई, उनके लिए क्या किया था? हाँ, ये आपने आशा सवाल किया है। लीजिए, इधर भी आशा कैसे हमने यूज कर लिया। नहीं यार, अब हेलन जी के आने का भी हमें आशा ही था, अब हेलन जी के आने का हमें हेलन जी तो हो नहीं सकता। लेकिन आशा जी आपको बताएं, फेवरेट हमारा वो है, वो जो अपना थर्ड फ्लोर वाला पिक्चर। थर्ड फ्लोर कौन सी है? अरे तीसरी मंजिल यार। ये आदमी का आप रहने दीजिए, इनका थोड़ा सा ना अंग्रेजी में पैदल चलता है। उस दिन हमसे कह रहे हैं कि देख देख क्रिकेट का जिंदा मैच आ रहा है। हमने कहा जिंदा मैच क्या होता है, फिर पता चला लाइव का बात कर रहे हैं। वो आपने आशा जी वो वाला गाना गाया था ना कि वो सातिया नहीं जाना के जी ना लगे। हाँ। तो आप सोनी लगा लीजिए ना, हम सोनी पे ही आते हैं। That's just a jokes. ऐसा जोक्स हमारा ऐसा फ्लो हो जाता है कभी कभी, शरीर में टिकता नहीं जाता तो। लेकिन आपका वो फेवरेट फिल्म तो हमारा वो वाला है, वो जो स्पोर्ट्स के ऊपर था। स्पोर्ट्स पे इनकी कौन सी फिल्म आई? कटी पतंग यार। अरे वो कौन सी स्पोर्ट है वे? अरे पतंग फ्लाइंग इज ए आउटडोर स्पोर्ट, आपको पता ही नहीं है। आप देखें होली के दिन किस तरह हवा में पतंग ही पतंग ऐसे भरी रहती हैं। अबे होली पे रंग उड़ाते हैं, पतंग मकर संक्रांति पे उड़ाते हैं। हैं? हाँ। अरे यार हमने तो होली पे पतंग उड़ा दिया यार। अच्छा काम की बात भी कर लिया कर, तू मेहमान आए तो क्या फालतू। हाँ हाँ, अरे अरे ग्वालियर में ना एक नया पागल खाना खुला है। अच्छा ये क्या बात हुई? ये आपके काम की बात हुई। लेकिन हेलन जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको सच बताए, आपके गाने सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। आपके गाने सुन सुन के बड़ा हो गया, उसके बाद ये फैलने लगा। आपके दो गाने और आ जाते ये फट सकता था। लेकिन आपको एक सीक्रेट बताएं हेलन जी, आप ना सोले में 50,000 ज्यादा कमा सकती थी। कैसा? नहीं ना, हमने गाना देखा, आप डांस कर रही थी ना। हाँ। गब्बर सिंह सामने ही बैठा था, पुलिस को फोन करके बता देती तो पूरा 50,000। पॉसिबल है? और उस समय फोन कहाँ होते थे, मोबाइल फोन कहाँ होते थे? अरे तो किसी को 5,000 दे के दौड़ा देती, क्या जाता है 45,000, कम थोड़ी होता है यार, बहुत होता है। लेकिन आशा जी, हेलन जी, एक बात बताएं, आपके ना टाइम में बहुत अच्छा था, ये जो सिंगर होते थे ना उनको बहुत इज्जत दी जाती थी। हमने देखा कि कोई सिंगर ऐसा गाना गा रहा है लेकिन वो हाँप रहा है, थका हुआ है, लेकिन उसको रोकते नहीं थे, गाना काटते नहीं थे। अच्छा वो जानबूझ के निकालते थे ऐसी आवाज, बर्मन साहब। अरे रहने दीजिए, आप हमें खामा खाम बर्गर ला रहे हैं। अबे बर्गर ला रहे हैं क्या यार, खाने पीने की बर्गर ला रहे हैं। अरे लेकिन बर्गर बोल के थोड़ा मजा आ जाता है यार, मुंह में ऐसा पैटीज का स्वाद आता है तो क्या जाता है, बोल लो वैसे। लेकिन आशा जी, हेलन जी, जानना चाहते थे हम, हमने देखा वो टाइम के फिल्मों में ये जो जीवन जी, प्राण जी, प्रेम चोपड़ा जी, ये आपको 2-3 पिक्चर करके पता चल गया था कि ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। किडनैपिंग तो करेंगे ही करेंगे। अरे जब अगला पिक्चर साइन करते हैं तो बोल दीजिए कि यार इनको नहीं चाहिए, ऐसा कुछ आप मना भी तो कर सकते हैं, 2-3 बॉडीगार्ड रख लीजिए, हर बार किडनैप होते हैं, हमको बुरा लगता था यार। बार बार। और कभी कभी ना हमारे दिमाग में ये थॉट भी आता था, कहना ही सीटीआर नहीं टूट जाएगा, सेंटर में बैठ जाओ। अच्छा सेंटर बैठने दीजिए। हाँ। नहीं कोई नहीं। अच्छा तो आजकल का जो हीरोइन है ना उनको ज्यादा किडनैप करते ही नहीं है, वरना आज का हीरोइन को किडनैप कर लो तो सीधा पहाड़ी पे जाके सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगी, ऑन द टॉप ऑफ काली पहाड़ी। Waiting for hero. Feeling kidnapped with Samba and 30 others. वैसे सच बताएं, आपके साथ अगर धर्मेंद्र जी यहाँ पर आए होते ना तो हमसे मिलकर बहुत खुश होते। क्यों? फैन से मिलकर खुश होते हैं यार लोग, आपको क्या प्रॉब्लम है यार? अच्छा बच्चा बात तो सुन। हाँ जी बोलिए। आशा जी आई हैं, हेलन जी आज ही आई हैं। जॉक्स तो सुना? हाँ जॉक्स कॉल बनाया।
अच्छा जी हेलन जी, आपको बता दे हमारा का एक जोक्स का पिटारा जैसा आया हमारे पास, वो ऐसा फ्री फ्लोइंग चलता रहता है, पर हम थोड़ा अवॉइड करते हैं कभी कभी कि माहौल बहुत ज्यादा बन जाता है, लोग को बहुत ज्यादा मजा आ जाता है, फिर वो मजा को कम कैसे करें सोचना पड़ता है। हम एक जोक सुना देते हैं, बहुत ही फनी वाला जोक है, सुना रहे हैं। एक लड़का है जिसे जिम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिमनास्टिक। नास्टिक। जिमनास्टिक। सॉरी सॉरी माय लोपोजी। वैसे बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आया होगा, हम चलते हैं अब, आशीर्वाद दीजिए। God bless you. Thank you so much. Very good. Thank you very much. अच्छा हम चलते हैं। नमस्ते। Thank you. बड़ा मजा आया। फैसल बच्चा मन का सच्चा सर। How are you? नमस्ते 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 से तुझे। ये लीजिए, आज मानना पड़ेगा सर। क्या? सब दो नंबरी लोग एक साथ आ गए। आप सोच रहे होंगे दो नंबरी को, आई टेल यू, ये देखिए इनके पास आस्की टू है, इन दोनों के पास टू स्टेट्स है, इनके पास टू मिनिस्ट्रीज है। हम तो पहले से टू के बराबर है और ये आदमी टू मच है। लीजिए। वैसे चेतन सर बड़ा मजा आता है सर, आपका वो किताब हम पढ़े, मानना पड़ेगा सर आपका हैंडराइटिंग इतना कमाल का है ना। किसी किताब पढ़े? नहीं, बहुत कमाल का राइटिंग, ऐसा लगता है जैसे एकदम प्रिंट हुआ है जैसे। अरे प्रिंट होके आती है तो वही बात बोले ना हम। ऐसा लगता है कि प्रिंट हुआ है क्योंकि प्रिंट होके आया है। हम क्या फालतू बात कर रहे हैं यार, सेम बात बोले हम। लेकिन सर आपका वो पुस्तक बहुत अच्छा था, वो अपना वो ये वाला जो था अपना एक रात बातचीत के केंद्र में, ओहो मजा आ गया। ये कौन सी बुक है? अरे वन नाइट एट कॉल सेंटर यार। सर ये देखिए, ये आदमी अंग्रेजी प्रॉब्लम, हिंदी प्रॉब्लम, उद्रू प्रॉब्लम है, फुल प्रॉब्लम देश में। उद्रू उद्रू वही भाषा। लेकिन सर हम चाहते हैं ना कि आप ना हमारे लिए हमारी भी एक बायोग्राफी लिख दीजिए। प्यार हुआ है आपको? चार या पांच पकड़ लीजिए, हुआ तो है। और एक बार तो अपना हमारी भैंसिया ही है, वेरी स्वीट शी इज। भैंस से प्यार हो गया? नहीं नहीं, मतलब इट्स अ रिलेशन, ये सर एक्सप्लेन नहीं कर सकते ये वाले रिलेशनशिप को। पर जो तुम करोगे ना, हाँ वही तो तुम्हारी बायोग्राफी में लिखेंगे ना। अरे तो सर आप एक काम कीजिए ना, आप इतने कमाल के राइटर हैं, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, वो सेम चीज हम कर देंगे। करते बाद में है, पहले लिख दीजिए ना। What goes? कहानी में कुछ होना चाहिए, आपका प्यार हो, कोई लड़की आपसे प्यार करती हो, आप उसके माँ बाप से जाके लड़ो, मारपीट हो, कुछ तो हो। सर सेम चीज लिख दीजिए, उसके बाद हम कर देंगे। Whatever you write, सर। अच्छा है कि आप लोग क्या पहले लिखते हैं फिर फिल्म बनाते हैं, वेरी गुड। नहीं कुछ लोग हैं जो ऐसा पहला फिल्म बना देते फिर लिखते हैं। ऐसे थोड़ी होता है, पहले सब लिखते हैं फिर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। क्यों? अरे आप बाहुबली को ले लीजिए, अगर पहले लिखा होता तो लोग पढ़ नहीं लेते कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। वो पहले बना दिया, उसके बाद फेसबुक ट्विटर पे चल रहा है, लिख रहे हैं लोग, अब लिख रहे हैं। इट इज ऑल वर्किंग उल्टा, अपसाइड डाउन चल रहा है पूरा। अर्जुन जी जी, वैसे आज हमको ऐसा मौका मिला है आपसे साक्षात मिलने का, तो हम काफी प्रिपरेशन करके आए। हम बोले कि सब पिक्चर देख के आएंगे आपका, तो हमने सबसे पहले शुरू किया अर्जुन से, बट यार आई डिडंट सी यू, दिखाई नहीं दिए। फिर हमने करण अर्जुन देखा, लीजिए उसके अंदर भी आप एब्सेंट निकले। फिर हमें लगा कि हम जरा पुरानी पिक्चरें देख रहे हैं, नया लेटेस्ट देखते हैं, तो हमने देखा आज का अर्जुन। वेयर हैव यू बीन? अच्छा ऐसा थोड़ी ना कि हर अर्जुन नाम की फिल्म में अर्जुन होंगे, ऐसे तो ए वेडनेसडे में तो बुधवार हीरो होगा फिर। अरे हाँ यार, सो ये बात तो आपने सही बता दिया, माय मिस्टेक। मिस्टेक नहीं, मिस्टेक। नहीं नहीं, मिस्टेक में क्या केक आ जाता है ना, तो एक स्वाद आता है बात में, इसके लिए बस ऐसे ही। वैसे अर्जुन जी अपने काम कीजिए ना सर, आप दरअसल कोई ऐसा तिगड़म बैठा के हमारे जीजा के ऊपर फिल्म बनाइए ना। आपके जीजा कौन है? नहीं नहीं बनाई, अरे देखिए आपने की एंड का पे बनाया, एक जी एंड जा पे बना देंगे, क्या जाएगा यार।
श्रद्धा जी, लेकिन हाँ आपका वो फिल्म में एक विलन में वो गालियों वाला गाना था ना, वो बड़ा मजा आया। गालियों गालियों गलिया गलिया। अच्छा, ओह माय, हेलो पहुंची अगेन। हो सकता है कि नहीं नहीं हो सकता है कि जब हम सुन रहे थे तो लोग हमको कुछ गालियां दे रहे होंगे, तो हमने मिक्स कर दिया वो पूरा का पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी हुआ इस बात पे ये हंसी ना। हाँ। ये जी, आपके आने वाला फिल्म प्रमोट कर दिया हमने तो। ये हंसी ना हुआ कि नहीं आने वाला इनका फिल्म, वो तो गलती से प्रमोशन हो गया हमसे। वह मुबारक, ए लीजिए ये बात में मुबारक बोल के हमने आपका भी अगला फिल्म प्रमोट कर दिया। ये लीजिए, ये आज हमसे क्या हुए जा रहा है। कपूर शर्मा, एक काम कीजिए, आप जरा विदेश में जाके ना शादी कर दीजिए किसी लड़की से। क्यों? जब वो आएगी तो वो फिरंगी आएगी ना। ए लीजिए। हाथों हाथ एक और प्रमोशन। एनीबडी एल्स? आई एम इन फुल फ्लो टुडे। कर लेंगे। लेकिन श्रद्धा जी, हाँ जी, ट्रूली वन हार्ट टू हार्ट अटैक बात बताएं आपको जी। हमारा आपका एक कमाल का कनेक्शन है। क्या? नहीं है, है। देखिए, आपकी जो भी फिल्म आती है ना, वो हम देखने जाते हैं। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है कि आपकी फिल्म नहीं आई है और हम देखने चले गए। ये क्या कनेक्शन हुआ? तो आप कनेक्शन ढूंढ क्यों रहे हैं यार? वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। एक सुंदर लड़की और एक मोटा लड़का क्या कभी दोस्त हो सकते? काश ये डायलॉग मुझे बचपन में पता होता। वैसे चेतन जी, आप ना आई रिस्पेक्ट, मतलब कमाल के राइटर हैं आप। लेकिन हमारे मोहल्ले में अपना एक यादव है फ्रेंड, बड़ा अच्छा लिखता है। उसने कल हमको ये लिख के भी दिया, देखिए वेरी क्लियरली, साफ साफ शब्दों में उसने लिखा कि ए बच्चा, अगली बार मेरी बीबी को गंदी नजर से देखा तो तुझे फोड़ दूंगा। ये तो कुछ भी नहीं, आजकल हम भी इन्फ्लुएंस हो गए सर, हम भी अब थोड़ा लिखना शुरू किए। परसों हमने अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखा, वो भी खून से, और गर्लफ्रेंड बेहोश। इतना अच्छा लिख दिया? नहीं नहीं, उसके खून से लिखा ना। हम इतना इन्फ्लुएंस हुए ना आपसे सर, कि हमने भी एक ऐसा बायोग्राफी लिखा है। जी हाँ जी हाँ, हमारी भैंसिया के ऊपर। इट इज कॉल्ड भैंसियोग्राफी बिकॉज इट्स अ लिटिल डिफरेंट। ये देखिए, सच में लिख के लाए हो? हम लिख के लाए सर, ऐसा बात नहीं है। भैंसियोग्राफी बाय बच्चा यादव। थोड़ा सा इसका हम आपको सुना सकते हैं पढ़ के? हाँ। तो कहती है, अबे ये क्या बोल रहा है? उसके लाइफ में यही चल रहा है यार, जो चल रहा है वही बताएंगे ना। उसने जैसे जैसे बताया, लेकिन ये छोड़िए, क्लाइमैक्स सुनेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स सुनाते हैं आपको। लास्ट पेज पे, एकदम लास्ट पैराग्राफ, कहती है, और बाकी देखिए आप लोग एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग प्रोड्यूस करेंगे, लिखेंगे। इतना टचिंग, शुरू में ओ, एंड में ओ, तो बीच में क्या कहती है सर? ओ, दैट इज हर लाइफ सर। दैट इज हर लाइफ। बहुत फील है आपकी स्टोरी में, बहुत फील है, तो आंसू आ गए मेरे को। ये तो कुछ भी नहीं है सर, हम तो एक्चुअली एक बायोग्राफी उसका भी लिखने वाले थे, बकरी का। लेकिन क्या है कि बकरी में मैं बहुत है। हमने जाके जितना उससे बात किया, बार बार करिए मैं। हमने कहा देखिए, आपके ऊपर हमको बायोग्राफी लिखना है, फाइनल डिसाइड कर लीजिए, हम लिखेंगे कि आप। तो कहती है मैं। हमने कहा जाओ यार, जितना एटीट्यूड आप में है ना, आप फिल्म में नहीं प्लेट में आएंगी। बच्चा जोक तो सुना आज फिर कोई जोक। जोक जोक? हाँ जी जोक। जोक सर, अभी हम आपको बताते नहीं, एक हम जॉक्स का एक पिटारा है हमारे पास, हम कमाल के जॉक्स सुना जाते हैं, लेकिन क्या है कि उससे माहौल बहुत बन जाता है, बहुत कॉमेडी फैल जाता है। आप अगर कहेंगे प्लीज प्लीज। हाउ स्वीट, अब हम सुनाना ही पड़ेगा। लीजिए, तो जॉक्स पेस है आप लोगों के लिए, जॉक्स का बोनी करते हैं। लीजिए, आप बोनी जी का भी ऐसा आ गया, ऐसा बन गया है। तो आपको इससे शक्ति मिलेगी। अरे लीजिए,
वर्ड पे वर्ड, वर्ड पे वर्ड जा रहा है. तो लीजिए पेश करते हैं. बहुत ही फनी जो थोड़ा सा कॉमेडी वाला है. अच्छा, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा पेट में दर्द करेगा तो होता है. आईपीएल का टाइम चालू है ना, तो क्रिकेट के ऊपर एक थोड़ा सा पेश कर देते. बिल्कुल सीजनल, सीजनल जोक लाइक सीताफल. लीजिए. तो एक ये अपने धोनी है, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक पीना है. तो वो अश्विन से कहते हैं कि यार जरा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाओ. तो अश्विन जो है कोल्ड ड्रिंक लेके आए, लेकिन सीधा रोहित शर्मा के पास लेके चले गए. बताइए क्यों? क्यों? बिकॉज रोहित शर्मा इज ओपनर. ओह गॉड. लीजिए, मजा आ गया, माहौल हमने बना दिया है. आ गए, यू टेक इट ओवर यार. चलिए चलते हैं. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बाय. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.